सचिन, सबसे पहले ये जो फैंस हैं और ये जो हमारी मुंबई पुलिस है, इनसे क्या कहना चाहेंगे? काय म्हणणार आता, जेवढं म्हणीन तेवढं मुंबई पोलीसबद्दल कमी आहे. आमची अशीच काळजी घेत राहा असं मी सांगतो तुम्हाला. आणि आत्तापर्यंत जे काय तुमचे सॅक्रिफायसेस आमच्यासाठी राहिले आहेत, मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी राहिले आहेत, त्याचा मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि नुसतं मीच नाही पण माझी फॅमिली पण मला जॉईन करते इकडे, तुम्हाला मोठं थँक्यू म्हणायला. आणि नुसतं पोलीस नाही पण तुमच्या फॅमिलीजनं पण, कारण तुमच्या फॅमिलीजने आमच्यासाठी भरपूर सॅक्रिफाईस केलेलं आहे, तर एक मोठं थँक्यू आमच्याकडनं. क्या बात है सचिन, वैसे आई एम सो हैप्पी मैं आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ. ऐसा कुछ है सचिन जो अभी भी हासिल करना रह गया है? सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में यही थी कि एक दिन देश के लिए खेलना है क्रिकेट और वर्ल्ड कप जीतना है. आई थिंक, आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ हो सकती है. तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट ईयर जो हम बम्बई में वर्ल्ड कप जीते, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी बिगर देन दैट. वेल एब्सोल्युटली, हम भी यही मानते हैं. देखिए, आपका इतना लंबा करियर रहा एंड बेदाग, नो कॉन्ट्रोवर्सीज एट ऑल, लेकिन एक इल्जाम मैं आपके ऊपर लगाना चाहता हूँ. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे और भी बहुत से करोड़ों लोग हैं जिनसे आपने क्रिकेट देखने की वजह छीन ली. यस, बिकॉज नो सचिन नो क्रिकेट. वेल, क्या आप ये इल्जाम कबूल करते हैं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो प्यार और सपोर्ट पिछले 23 साल मुझे मिला है, तो दैट इज इनक्रेडिबल और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. मगर हाँ, हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है. आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन गो रॉन्ग ऐसे 2-3 महीनों में, बट देर आर ब्राइटर डेज अहेड एंड ऑल आई कैन से इज इसी टाइम टीम को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो विदाउट एनी डाउट आप हमारे साथ रहेंगे और वी वॉन्ट लेट यू डाउन. ऑल राइट, वेल सचिन, दुनिया में दो तरह के स्पोर्ट्समैन होते हैं, एक नंबर वन सचिन तेंदुलकर, दैट इज टाइप वन, एंड टाइप टू बाकी सब. 16 साल की उम्र में करियर शुरू किया, क्या आपने सोचा था कि ऐसी डिस्टिंक्शन हासिल कर पाएंगे? नहीं, 16 साल का था तो अभी एक ही ख्याल था कि खेलना है और जितने मैचेस जितवा सकूं उतने जितवाने हैं. मुझे छोटा था तब से यही सिखाया गया था कि गेम को रिस्पेक्ट करो, गेम की पूजा करो और गेम विल टेक केयर ऑफ यू. तो मैंने वो ही किए, आज तक गेम की पूजा करते आ रहा हूँ. आई थिंक क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है लाइफ में, और जब तक मैं गेम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तब तक everything falls into its place. I don't think mera life cricket ke siva imagine karna would be possible. So all I can say is simple, ek chhota sa formula follow karte aa raha hu. I have not complicated things. वैसे देखिए, इतने सारे यहाँ पे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, मौजूद हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए, तो आपके हिसाब से कौन होगा परफेक्ट सचिन तेंदुलकर कास्टिंग में? आपके ऑप्शंस हैं रणबीर कपूर, या फिर सलमान खान, या फिर ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, या फिर आमिर खान. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है, आपने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया है. सारे इतने मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए, इनफैक्ट आई थिंक पहला नाम मेरे दिमाग में आता है लगान की वजह से आमिर, क्योंकि नहीं नहीं, आप पहले ही तालियां मत बजाइए, हमारी हाइट मिलती है एक दूसरे से, इसलिए सिर्फ. नहीं, अगर आपको नहीं लगता अगर आमिर बन गए तो थोड़ा क्रिटिकल हो देंगे. आई थिंक बॉलर का हाथ 45 डिग्री पे आना चाहिए, ये 46 डिग्री पे आ रहा है, आइला, ऐसा तो नहीं होगा आपको लगता? नहीं, आई थिंक एक लगान से हर बार एक कनेक्ट होता है. जैसे बहुत सारे एक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं एक एक पर्टिकुलर रोल में, तो आई थिंक आमिर का मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्रिकेट के साथ, जैसे शाहरुख ने एक फिल्म हॉकी के साथ की थी, तो मे बी क्रिकेट आमिर के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. क्या बात है. वैसे एक और शख्स हैं जो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत देर से मुझे लग रहा है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी मंच पर आ जाएँ. मैं बुलाना चाहूँगा द एस डायरेक्टर प्रोड्यूसर द वन एंड ओनली करण जौहर टू जॉइन यू ऑन स्टेज प्लीज.
नमस्कार मुंबई, आप हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े लेजेंड को आप सुन चुके हैं, द प्राइड ऑफ इंडिया है सचिन तेंदुलकर। आप सब सहमत हैं इस बात से या नहीं? मैं आप स्टेज पे बुलाना चाहूंगा एक ऐसे महान हस्ती को जो मेरे लिए पिता समान है, इस इंडस्ट्री के पिता है। ही इज ट्रूली द फादर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी। प्लीज वेलकम द ह्यूजेस्ट लाइट, द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, मिस्टर अमिताभ बच्चन। स्वागत है आपका अमित अंकल इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बड़ी हस्ती के साथ आपने हमें भी बुला लिया, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ही मंच पे वी हैव सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन ऑन वन प्लेटफॉर्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिगिन, कम ऑन। और कुछ सवाल है अमित जी, सचिन ने बहुत स्वीटली आंसर किए हैं यहाँ सारे सवाल मनीष के, और मनीष कुछ ज्यादा सवाल करते हैं। करन, करन, करन। अच्छा, हाँ जी, ये सवाल पूछने का सिलसिला जो है ये मेरा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मेरा भी हुआ करता था एक जमाने में नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे, सब जानना चाहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली इतने डैशिंग, हैंडसम और सेक्सी कैसे लगते हैं, ये राज क्या है आपकी खूबसूरती का? मेरी खूबसूरती का राज आप हैं क्योंकि आपने मुझे सेक्सी सैम बनाया जी तो मैं हूं आपका राज। ये पूरा भारत जानना चाहता है कि व्हाट इज द सीक्रेट टू मिस्टर बच्चन ऑलवेज लुकिंग दिस डैपर एंड वंडरफुल एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सर क्या है कि पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रखना, क्योंकि जैसा शरीर होता है वैसे ही हमको काम मिलता है जी। शरीर अगर खराब हो जाएगा तो काम नहीं मिलेगा जी, इसलिए शरीर को पहले ठीक रखना पड़ता है। अच्छा, फैंटास्टिक। और एक और सवाल है आपका कि सब कहते हैं कि जब आपको देख के एवरीबॉडी हैज दैट द पोएम ऑफ अग्निपथ इन माइंड, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। सो मुंबई पुलिस की सारे सदस्यों, हम सब फ्रेटर्निटी के मेंबर सब जानना चाहते हैं कि आपने वाकई कोई शपथ ली है? जी, मैंने शपथ ली है कि जो आप अगला प्रश्न पूछने वाले हैं उसका उत्तर मैं ना दूं। और अमित जी, हम ये कहना चाहेंगे फॉर अस इट्स सच अ ग्रेट मोमेंट कि आप और सचिन दोनों इस मंच पे हैं। आप बहुत बड़े फैन हैं, दैट वी हैव ऑलवेज फॉलोड एंड ट्रैक्ड, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, एंड आई एम श्योर सचिन तेंदुलकर के बहुत ही बड़े फैन हैं। क्या कहना चाहेंगे फॉर वन ऑफ आवर लीडिंग लेजेंड्स ऑफ द कंट्री? ये इनके साथ खड़े होकर के जो रोशनी इनकी मुझ पर आ रही है, मैं उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अरे थैंक यू। और सचिन के बारे में इतना कुछ कहा चुका है, आपने भी कहा और करण ने भी कहा, ये हमारे देश की अमानत है, और जितना कुछ भी मैं इस समय कहूँगा वो बहुत छोटा नज़र आएगा, लेकिन हम सब मानते हैं कि अगर हमारे देश को विदेश में, अपने देश में किसी ने प्रज्वलित किया है, एक रोशनी दिखाई है, भारत के नाम को रोशन किया है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। Wow, that's truly, truly fantastic. Thank you, Amit ji. Sachin, आप क्या कहेंगे? Truly to the father of the film industry. क्या कहेंगे आप? मैं माउंट एवरेस्ट के सामने क्या कह सकता हूँ? सभी चीज माउंट एवरेस्ट की अच्छी लगती है, तो आपकी तरह मैं भी उनका उतना ही बड़ा फैन हूँ और यही चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे रहे। Thank you, fantastic. And lastly, sir, मुंबई पुलिस की फंक्शन है, क्या कहना चाहेंगे टू एवरीवन हियर, द फैमिलीज ऑफ द मुंबई पुलिस एंड एवरीवन हियर इन द ऑडियंस? मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग हमारी इज्जत, हमारी मान, हमारी सुरक्षा तो करते ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज के दिन हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो शहीद हो गए और जिन्होंने हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और उन सब पुलिस अफसरों को और जितने भी लोग पुलिस में काम करते हैं जिन्होंने ये शहीद होकर के अपने जीवन को दान दे दिया है देश के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए, उनको आज हम याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। इसी तरह आप लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है आप सब के लिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इसे शायद समझते होंगे कि ये बहुत ही साधारण काम है, लेकिन एक पुलिस अफसर जो है वो किन परिस्थितियों से गुजरता है, कितना कुछ बोझ उनके कंधों पर होता है 24 घंटे, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है।
तो हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप अपना काम निभाते रहेंगे। हमेशा मैंने ऐसा माना है कि मुंबई की जो पुलिस फोर्स है वो देश भर में एक अव्वल पुलिस फोर्स है। आप लोगों का उदाहरण दिया जाता है देश विदेश में। इसी तरह आप और उज्जवल भविष्य अपना बनाएं और हमारे इस प्रांत का और पूरे देश का। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अमिताभ सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। लास्ट ईयर मैंने मुंबई पुलिस शो में आपके पैर छुए थे और आपको गले लगा था। मेरा साल बहुत अच्छा गया था, तो मुझे लगता है ये मौका मुझे फिर से गंवाना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके पैर छूना चाहूंगा और आपको गले लगना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां फॉर अमिताभ बच्चन। हर साल की तरह अमित जी यहाँ बहुत ही ग्रेशियसली एंड विद सच अ लार्ज हार्ट वो डोनेट करते हैं 11 लाख टू द पुलिस फंड। तो इस साल भी वो वही डोनेशन देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, दैट इज ट्रूली वेरी वेरी ग्रेशियस ऑफ यू एंड वेरी लार्ज हार्टेड ऑफ यू। थैंक यू सर विद ऑल आवर लव एंड थैंक यू सचिन, थैंक यू सो मच ट्रूली हम दोनों के लिए। बाकी मैं फिर से कहना चाहूंगा, इट हैज बीन अ बिग मोमेंट टू बी विद बोथ ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमिताभ बच्चन एंड सचिन तेंदुलकर। बिग हैंड, कम ऑन एवरीबॉडी, थैंक यू।